नमस्कार, ऐसे न्यूज की डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है और शुरुआत करते हैं देश दुनिया की खास खबरों के साथ। स्कूल खोलने पर हरियाणा सरकार ने दिया स्पष्टीकरण, राज्य में 27 जुलाई से बच्चों के लिए नहीं सिर्फ स्टाफ के लिए खुलेंगे स्कूल। देश में नीट, जेई मेंस और जेई एडवांस की परीक्षाएं हुई फिर स्थगित, अब सितंबर में होंगे इन सभी परीक्षाओं के एग्जाम, वहीं परिणामों का अक्टूबर में जारी होने का लगाया जा रहा है अंदाजा। अतीक अहमद के भाई और पूर्व विधायक खालिद अजीम को यूपी पुलिस ने किया गिरफ्तार, खालिद अजीम को गिरफ्तार करवाने पर सरकार द्वारा 1,00,000 का जारी किया गया था इनाम। कानपुर मुठभेड़ हादसे में सीएम योगी ने शहीदों को दिया गार्ड ऑफ ऑनर, साथ ही रिजेंसी अस्पताल में जाकर घायलों से भी की मुलाकात। गलवान के शहीदों के नाम पर रखा जाएगा भारत के सबसे बड़े कोविड-19 अस्पताल के अलग अलग वार्डों का नाम। दिल्ली में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड-19 अस्पताल में एक ही बार में 10,000 कोरोना के मरीजों का हो सकता है इलाज। बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने राज्य के ट्रांसपोर्टरों व वाहन मालिकों से की अपील, कहा 31 जुलाई तक रोड टैक्स जमा कर वाहन मालिक उठाए 40% छूट का लाभ। असम में आई बाढ़ से 33 में से 22 जिले हुए प्रभावित, जिससे 16,00,000 से भी अधिक लोगों का जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त और 34 की हुई मौत। वहीं पीएम मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2,00,000 रुपए का दिया मुआवजा। सरप्राइज लद्दाख विजिट में प्रधानमंत्री मोदी ने सीमा विवाद के दौरान घायल हुए सैनिकों से की मुलाकात, जवानों का हौसला बढ़ाते हुए बहादुरों का जताया शुक्रिया। मध्य प्रदेश में घोषित हुए 10वीं क्लास के बोर्ड के नतीजे, साथ ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं परीक्षा के 2 विषयों में कोरोना संक्रमण के चलते स्टूडेंट्स को दिया गया जर्नल प्रमोशन। भारत में कोरोना से प्रभावित हुए 6,48,000 लोग, ये बीमारी कब तक रहेगी, कैसे ठीक होगी, विज्ञान और डॉक्टर्स के पास इसका कोई जवाब नहीं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में सेना ने एक आतंकवादी को मार गिराया, पिछले कई समय से कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में लगातार होते आ रहे हैं आतंकी हमले। देश के सर्विस सेक्टर्स में पिछले 15 साल में आई सबसे तेज गिरावट, मैन्युफैक्चरिंग के बाद अब देश में सर्विस सेक्टर का भी खराब प्रदर्शन आया सामने, देश में लगातार 4th महीने सर्विस सेक्टर का गिरा इंडेक्स। यूपी के ग्रेटर नोएडा में बिना इजाजत क्रिकेट खेलना पड़ा भारी, पुलिस ने 51 लोगों को किया गिरफ्तार, 17 वाहनों का चालान करने के बाद आरोपियों के खिलाफ की मुकदमा दर्ज। जम्मू कश्मीर में सरकार ने अनलॉक 2 के दिशा निर्देश किए जारी, राज्य में टैक्सी कैब को मिली पूरी तरह से छूट, वहीं रेस्टोरेंट्स और होटल्स को 50% क्षमता के साथ चलाने की मिली मंजूरी। बिहार में आकाशीय बिजली गिरने से 24 घंटे में 21 लोगों की हुई मौत, इससे पहले 2 जुलाई को भी राज्य में 22 लोगों की बिजली गिरने से हुई थी मौत। चैनल खुलवाने का झांसा देकर 5 करोड़ की धोखाधड़ी करने पर दिल्ली पुलिस ने आईएएस अफसर सुनील कुमार झा को किया गिरफ्तार, भारतीय इंजीनियरिंग सेवा का पूर्व अधिकारी और दूरदर्शन का पूर्व डिप्टी डायरेक्टर रह चुका है आरोप। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए कोलकाता एयरपोर्ट पर दिल्ली, मुंबई, पुणे, नागपुर, चेन्नई और अहमदाबाद की फ्लाइट्स की लैंडिंग पर लगी रोक। देश की राजधानी दिल्ली में नशे से धुत एक युवक ने बुजुर्ग महिला को कार से रौंदा, लोगों के युवक को रोकने पर उसने महिला को फिर से रौंदते हुए की भागने की कोशिश, सारी घटना लोकल सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना का कहर जारी, एक ही इलाके में मिले 33 कोरोना के नए मरीज, इसी के साथ राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या हुई 14,000 के पार। रूस में कोरोना का भारी आतंक है जारी, देश में कुल संक्रमितों की संख्या हुई 6,75,000 के पार, वहीं करीबन 4.5 लाख लोग ठीक होकर लौटे अपने घर। आज गुरु पूर्णिमा के मौके पर लोग सोशल मीडिया पर ट्रेंड करके देशवासियों को दे रहे हैं सलाह कि गुरु पूर्णिमा के मौके पर जगत गुरु संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लें, क्योंकि पूरी पृथ्वी पर केवल संत रामपाल जी ही पूर्ण गुरु हैं। जगत गुरु संत रामपाल जी ट्विटर पर सुबह से ही ट्रेंड कर रहा है, लाखों लोग ट्वीट्स कर रहे हैं। और अंत में आज का गुरु पूर्णिमा पर ऐसे न्यूज का सवाल, क्या आपके गुरु पूर्ण संत हैं, यदि हाँ तो कैसे, उनकी पहचान बताते हुए अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.aisenews.in पर विजिट करें। धन्यवाद।